दर्जगा जिहाद और शहादत की जानिब से भी आज शहर में यौम सियाह मनाते हुए संघ परिवार के अलामती पुतले को नजर आतिश किया गया। पुलिस ने दर्जगा जिहाद और शहादत से वाबस्ता 26 अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया। सेक्रेटरी दर्जगा जिहाद और शहादत अहमद मुहियुद्दीन शरीफ ने बताया कि बाबरी मस्जिद की इसी मुकाम पर दोबारा तामीर तक ये एहतजाज जारी रहेगा। आज बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर पुरअमन एहतजाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके हमारे जमहूरी हकूक से हमें महरूम कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी बाबरी मस्जिद को जो 92 बाबरी मस्जिद इनके उजाले में आप सब जान मुझे भी वाकिफ है कि हिंदुस्तान की तारीख का यह सियाह दिन है। आज 6 दिसंबर इंसाफ को बालाए ताक रख के बाबरी मस्जिद को आज के दिन 6 दिसंबर के दिन शहीद कर दिए गए। ये संघ परिवार का टोला जिसमें जिसकी क़यादत मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंगल, उमा भारती, अडवाणी वगैरह कर रहे थे, जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर बनाएंगे। बाबरी मस्जिद को ताकत के जरिए तोड़े थे, इंशाअल्लाह ताला हम ताकत के जरिए बाबरी मस्जिद को बनाएंगे वहाँ पर। और ये बाबरी मस्जिद तमाम गुनाहगारों के पीछे है। आप देख रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव का क्या हशर हुआ, मरने के बाद भी जो है सो आपको पैरा हाथा उंगलियां जले नहीं। आग की फितरत है जलाने की, लेकिन आग नहीं जला सकी, तो ये इबरतनाक सजा है ये। और आप अडवाणी को देखो, प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब देखने के वास्ते जैसे 15-20 साल से मेहनत करे, कश्मीर से कन्या अडवाणी सबसे बड़ा टेररिस्ट है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है सो रथ यात्रा निकाल के हजारों लाखों मुसलमानों को जो है सो फसादात करा के लाखों मुसलमानों को शहीद करवाए, उसका आज नतीजा क्या है देखो। आज प्राइम मिनिस्टर के दावेदारी खत्म हो गई, इतने जमाने से ये सब करने का ये प्रोग्राम था, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। तो अल्लाह ताला जो भी बाबरी मस्जिद को शहीद करा उसके जो है सो पीछे उनका अजाब, अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो रहा, बाबरी मस्जिद उनका पीछा कर रही है। इंसाफ अदालत इंसाफ करती, अदालत का काम है कि इंसाफ करना, लेकिन जैसे अदालत क्या करी, आस्था की बुनियाद पे एविडेंस को देख के नहीं दी उन्हें जजमेंट, लोगों के जो है सो अकीदे के बुनियाद पर जजमेंट दी, जो सरासर हिंदुस्तान में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अकीदे की बुनियाद पर फैसला हुआ। ये बाबरी मस्जिद का वाहिद फैसला है जो अकीदे की बुनियाद पर दिए, जबकि सारे एविडेंस ये बोल रहे हैं कि जैसे बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर थी, और पूरा पेपर्स वर्क पूरा ये है कि जैसे बाबरी मस्जिद जैसो वहाँ पर जैसे बाबर मीर गवर्नर मीर बाकी जो है सो वहाँ पर तामीर करिए थे, बाबर शहनशाह बाबर के गवर्नर थे मीर बाकी, उन्होंने वहाँ पर जैसो तामीर करे थे। और 75 साल तक वहाँ पर जैसो नमाज हुई, 28 साल तक नमाज हुई। उसके बाद रात में जैसो संगीत टोले अंग्रेजों की जैसो मिली भगत से साजिश से वहाँ पर जैसो मूर्तियाँ ला के रख दिए, उसके बाद एक नया इशू बनाए वहाँ पर कि जैसो वहाँ पर राम जन्मभूमि भी, एक कम्युनिस्ट लीडर है उन्हें बोले थे अगर राम जन्मभूमि जैसे अगर पार्लियामेंट रहती थी, बहुत दिनों की बात है अखबार की, 10-15 साल पहले मैं अखबार में पढ़ा, एक कम्युनिस्ट लीडर थे बोले कि जैसे अगर बाबरी मस्जिद जैसे राम मंदिर जो राम जन्मभूमि अगर पार्लियामेंट में रहती थी क्या पार्लियामेंट को तोड़ते थे बोले उन्होंने। तो ऐसा जैसो आस्था की बुनियाद पर दिए जो सरासर गलत है। हम बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर तामीर करेंगे, हम आने वाले छोटे नस्लों को तैयार करेंगे, हम जो आंदा बाबरी मस्जिद को उसी मुकाम पर तैयार करने के लिए इंशाअल्लाह ताला।